नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल होता है। यूकैरियोटिक सेल्स को उसके सभी फंक्शंस के लिए इंस्ट्रक्शंस भी न्यूक्लियस ही देता है। इसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में इनर और आउटर मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है। न्यूक्लियस में पाई जाने वाली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमैटिन कहते हैं, जो कुछ प्रोटीन से बाइंडेड होता है। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस में पाई जाने वाली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जो बहुत से आरएनए से राइबोसोम बनाती है। राइबोसोम न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलते हैं और ईआर पर चिपक जाते हैं। इसी ईआर के पार्ट को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ईआर ल्यूमन में राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और यहाँ से ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी के सिस पार्ट और फिर ट्रांसगोल्जी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ट्रांसगोल्जी से ये प्रोटीन राइबोसोम, लाइसोसोम और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल।